हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की। एक सीएमए है और दूसरा है सीएमसी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीएमए की। तो देखिए, सीएमए जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको हम लोग, उसकी जो बेसिक स्पेसिफिकेशन है, जैसे हमने लिखा सीएमए, तो इसका जो निमोनिक होता है इसको हम सिंपली ऐसे देखते हैं, देते हैं सीएमए। ठीक, ऑपरेशन ये क्या करता है, ये एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है और रिजल्ट को वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देता है। ये सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है। मशीन साइकिल केवल इसमें एक यूज होती है, एंड दैट इज ऑप कोड फेच। एल्गोरिथम की जहाँ तक हम बात करें तो एक एक को कॉम्प्लीमेंट करके ये वापस ए में स्टोर कर देगा। फ्लैग्स का क्या स्टेटस रहता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद, इसमें कोई भी फ्लैग मॉडिफाई नहीं होता है। तो इसमें सिंपली आप लिख सकते हैं नो फ्लैग्स आर मॉडिफाइड। इसमें कोई भी फ्लैग मॉडिफाई नहीं होता है। जो स्टेटस रहता है पुराना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले, वही बाद में भी रहता है। एड्रेसिंग मोड इसमें हम कौन सा यूज करते हैं, इसमें इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड का यूज किया जाता है। टी स्टेट्स कितना हुआ इसमें, तो मशीन साइकिल एक है, कौन सी ऑफ कोड फेज, तो इसमें चार टी स्टेट्स यूज होते हैं। अब इस इंस्ट्रक्शन को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो ये क्या करता है, सीएमए इंस्ट्रक्शन जो है ये कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में जो भी कॉन्टेंट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है। दिस इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लीमेंट द कॉन्टेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट इज प्लेस्ड इन द एक्यूमुलेटर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, द कॉम्प्लीमेंट इज परफॉर्मिंग एन इन्वर्जन ऑपरेशन ऑफ ईच बिट। मतलब जहाँ जीरो है वहाँ वन कर देगा और जहाँ वन है वहाँ पे जीरो, यानी जीरो और वन को इंटरचेंज कर देगा। ये ऑपरेशन करता है ये। अब मान लीजिए एग्जाम्पल अगर हम लेके चले, अगर हमने केवल दे दिया सी एम ए, ठीक, तो इनिशियली अगर हमने कहा कि लेट एक्यूमुलेटर में क्या है, एक्यूमुलेटर में है हमारा ए बी और एच हो गया हेक्साडेसिमल नोटेशन के लिए, एंड द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। तो क्या होगा कि इनिशियली ए में क्या है, ए में है ए बी, तो ए कितना हुआ 10, 1010, और बी कितना हो गया 1011। ठीक, और ये आ गया आपका ए बी। ए बार आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो, जहां पे जीरो है वहां वन कर दीजिए, जहां वन है वहां जीरो कर दीजिए, ये आ गया, और 0100 यानी ये हो गया 5 और ये हो गया 4। तो ये कॉम्प्लीमेंट होके ये एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो आफ्टर सीएमए इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, ए विल कंटेन 54H एज ए रिजल्ट एंड देयर विल बी नो चेंज इन द फ्लैग स्टेटस। तो यहाँ पे आप फ्लैग स्टेटस में आप लिख सकते हैं नो चेंज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे आपको शो करते हैं, सपोज कीजिए कि बिफोर और आफ्टर एग्जीक्यूशन, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा बिफोर एग्जीक्यूशन, बिफोर एग्जीक्यूशन, और यहाँ हम लिखते हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन, आफ्टर एग्जीक्यूशन, और ये हमने बना दिया एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर आपको मालूम है कि क्या होगा, ये 8 बिट का होगा। तो सपोज कीजिए हमने ये इसको 8 बिट में डिवाइड कर दिया, और इस तरह ये एक्यूमुलेटर हो गया। और आफ्टर एग्जीक्यूशन के लिए भी हम बना देते हैं, यहाँ पे ये एक्यूमुलेटर हो गया, तो ये मान लीजिए हमने 8 बिट्स के लिए ये डिवाइड कर दिया, ये और ये। अब इसमें क्या होगा कि बिफोर एग्जीक्यूशन क्या स्थिति थी एक्यूमुलेटर में और आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या स्थिति है, वो हम शो करते हैं। तो बिफोर एग्जीक्यूशन एक्यूमुलेटर में ए बी स्टोर था, यानी 1010 ये हो गया ए,
और 1011 ये हो गया बी, और यहाँ आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या है 54 आ जा रहा है, तो 0101 ये हो गया 5, और 0100 ये हो गया 4। तो इससे क्या चीज डिक्लेयर हो गई, ये हो गया कि एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है वो आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया जब हम सीएमए इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन हम लेते हैं, दैट इज सीएमसी। अच्छा, इसमें एक चीज रह गई कि जो टाइमिंग डायग्राम है सीएमए इंस्ट्रक्शन के लिए, ये जैसे हमने आपको बताया कि जब लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सारी कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम टाइमिंग डायग्राम को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेते हैं सीएमसी। तो पहले ये जो पुराना इंस्ट्रक्शंस है इनको हटा दीजिए, फ्लैग्स की क्या कंडीशन है, एड्रेसिंग मोड कौन सा यूज होते हैं, ये सारी चीजें अब हम लोग सीएमसी इंस्ट्रक्शन के लिए लिखेंगे। पहले हमने लिखा यहाँ पे सीएमसी, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जब हम निमोनिक देंगे कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, असेंबली कोड क्या होता है, तो हमने लिख दिया सीएमसी। ऑपरेशन ये क्या करेगा, ये जो भी कैरी फ्लैग है, ठीक है, सीवाई में आपको मालूम है कि कैरी फ्लैग को ये कॉम्प्लीमेंट कर देगा, मतलब ये अगर कैरी फ्लैग है इसको कॉम्प्लीमेंट करके वापस कैरी में स्टोर कर देगा। ये भी आपकी सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है, मशीन साइकिल इसमें एक यूज होती है, कौन सी, ऑपकोड फेच। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम ये है कि कैरी फ्लैग को कॉम्प्लीमेंट करके वापस कैरी फ्लैग में स्टोर कर देगा उसकी वैल्यू को। फ्लैग्स क्या होता है, ओनली कैरी फ्लैग इज कॉम्प्लीमेंटेड, नो अदर फ्लैग्स आर अफेक्टेड। इसमें होगा ओनली कैरी फ्लैग इज कॉम्प्लीमेंटेड, नो अदर फ्लैग इज, नो अदर फ्लैग्स आर अफेक्टेड, केवल कैरी फ्लैग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बाकी सारे फ्लैग एज इट इज रहेंगे। एड्रेसिंग मोड इसमें कौन यूज हो, कौन सा यूज होता है, इसमें भी इम्प्लॉयड एड्रेसिंग मोड ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, टी स्टेट्स, तो एक मशीन साइकिल है आपको फेस, तो चार टी स्टेट इसमें यूज होते हैं। अब इसको अगर हम डिस्क्राइब करेंगे इस इंस्ट्रक्शन को कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, तो सिंपली जैसे आपको हम बताया मैंने कि कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग, ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये कैरी फ्लैग को कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी ये जो ओल्ड डाटा है इसको आप हटा दीजिए, ये हमने हटा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग, यानी अगर जीरो है तो वन हो जाएगा और वन है तो जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर लें, अगर हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया सीएमसी, तो इसमें क्या होगा कि अगर सपोज कीजिए कैरी फ्लैग पहले क्या था, वन था, तो उसको जीरो कर देगा, और जीरो था तो वन कर देगा, मतलब इफ कैरी फ्लैग इज वन देन आफ्टर एग्जीक्यूशन कैरी फ्लैग को जीरो कर दिया इसने, और अगर कैरी फ्लैग जीरो है तो आफ्टर एग्जीक्यूशन कैरी फ्लैग को वन कर देगा। स्टेटस ऑफ फ्लैग में मैंने पहले ही आपको लिख दिया है कि ओनली कैरी फ्लैग इज कॉम्प्लीमेंटेड, नो अदर फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ठीक है, इसका मतलब अगर इसको मान लीजिए आप से डायग्राम से शो करना चाहें, तो मान लीजिए ये अगर आपका बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन हम मान लें, और फ्लैग रजिस्टर आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो पहले आप इसको हटाइए, ये पुरानी वैल्यूज जो है इनको हटा दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि फ्लैग रजिस्टर आपको मालूम है कि फ्लैग रजिस्टर में 8 बिट रजिस्टर में कौन कौन से बिट यूज होते हैं, अगर इसको मान लीजिए हमने कहा दिस इज
फ्लैग रजिस्टर, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन फ्लैग रजिस्टर की क्या वैल्यू, तो इसमें पहली बात तो जो बिट्स नहीं यूज होते हैं उनको आप हटा दीजिए, तो एक दो ये वाला नहीं यूज होता है इसको आप ऐसे डंप कर दीजिए, ठीक। उसके बाद फिर इसको रख के इसको डंप कर दीजिए, यानी ये अनयूज बिट्स है। फिर उसके बाद ये तीनों तो आप हटाई दीजिए, इनका ये बिट्स यूज नहीं होते हैं फ्लैग रजिस्टर, ये हो गया। ऐसे यहाँ पे बना दीजिए तो ये बिट हो गया, ये बिट हो गया और ये बिट हो गया। अब इसमें कौन सा बिट क्या शो कर रहा है इसको आप मार्क कर लीजिए। तो हमें मालूम है ये हो गया आपका साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, फिर ऑक्सिलरी कैरी, फिर हो गया आपका पैरिटी और फिर हो गया कैरी फ्लैग। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी और कैरी फ्लैग, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि जो अनअफेक्टेड है उनको तो आप डोंट केयर से दिखा दीजिए सीधा सीधा, यानी साइन फ्लैग पे कोई फर्क नहीं पड़ना, जीरो पे कोई पड़ना नहीं पड़ना, ऑक्सिलरी कैरी पे कोई नहीं पड़ना और पैरिटी पे कोई नहीं पड़ना। तो इनको तो आपने दिखा दिया डोंट केयर से कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल इफेक्ट पड़ेगा कैरी फ्लैग पे। तो सपोज कीजिए ये अगर जीरो है तो ये वन हो जाएगा, और अगर यहाँ वन होता तो ये जीरो हो जाता। तो इस तरह से कैरी फ्लैग इज कॉम्प्लीमेंटेड। टाइमिंग डायग्राम विल बी डिस्कस लेटर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।